बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 4। आज के सबक में हम इंशाल्लाह कुर्बानी के जानवरों के मुतालिक कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये बात जान लेनी चाहिए कि कुर्बानी एक मखसूस दिनों की इबादत है और हर हलाल जानवर के ज़रिए इसको अदा नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस जानवर मुतय्यन किए गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वाज़ह फरमाया है कि इन जानवरों की कुर्बानी हो सकती है। अपने अमल के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, और वो कौन से जानवर हैं, क़ुरान करीम में भी इन चीज़ों के बारे में इरशाद है। अनज़ल लकुम मिनल अनाम समानियत अज़वाज, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जानवरों में से 8 जोड़ों को पैदा किया। वो 8 जोड़े कौन से हैं? ये 2 जोड़े हो गए ऊँट के, 2 गाय के, 2 बकरियों के और 2 भेड़ों के। इस तरह मतलब ये जोड़ा जोड़ा, ये मुज़क्कर मुअन्नस हो गए, तो ये 8 किस्म के जोड़े हैं। अल्लाह ताला ने इनको हलाल किया है और इन्हीं की कुर्बानी हो सकती है। और इसमें जो भैंस है वो भी गाय के हुक्म में है, इस पर आगे चल के बात करेंगे तफसील के साथ इंशाल्लाह। तो ये 8 जानवर हैं जिनकी कुर्बानी दुरुस्त है। यानी अगर इनको हम वाज़े करें तो इनमें ऊँट, ऊँटनी, गाय, बैल, भैंस और भैंसा भी इसी के अंदर आ जाते हैं। इसी तरह दुम्बा है, दुम्बी है, बकरा है, बकरी है, भेड़ और भेड़, यानी भेड़ का जो मुज़क्कर होता है वो भी दुम्बे के हुक्म में होता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर 8 जानवर हैं जिनको कुर्बानी किया जा सकता है। इसके अलावा बाकी जो चाहे हलाल हों, जैसे हिरन है या और जंगली जानवर हैं जो हलाल जानवर हैं, तो उनको कुर्बानी करने से वो कुर्बानी उनकी अदा नहीं होगी, बल्कि इन्हीं जानवरों की ही कुर्बानी करनी पड़ेगी। जैसे नील गाय है, घोड़ा है, खरगोश है, मुर्गा वगैरह है, बतख है, इस तरह के हलाल जानवर हैं, तो इनको कुर्बानी में ज़िबा करने से कुर्बानी अदा नहीं होगी। इन जानवरों में अफजल ये है कि अगर अल्लाह ताला ने हैसियत दी है कुर्बानी का जानवर खूबसूरत और बड़ी जिसामत वाला, सेहतमंद, मोटा ताज़ा होना चाहिए, बशर्ते कि इसमें सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए उसको ज़िबा करे और उसके अंदर दिखलावा, रियाकारी ना हो कि लोग देखेंगे तो तारीफ़ करेंगे। अगर ये उनसर उसमें आ गया नियत में तो ये उसका जो कुर्बानी करना रायगा जाएगा, ज़ाय हो जाएगा उसका माल। तो इसलिए इखलास के साथ, बाद लोग बहुत ज़्यादा इसमें मुबालगा करते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगा जानवर ले लेते हैं और सिर्फ़ इस वजह से कि ताकि नमूद व नुमाइश हो, लोग दूर दूर से आएंगे, देखेंगे कि इतना बड़ा जानवर लिया, लाखों रुपए का खर्च किया है। तो यानी असल ये है, कुर्बानी का मकसद और कुर्बानी की रूह ये है कि हम ऐसी चीज़ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करें जो हमें ख़ुद पसंद हो, हमें अच्छी लगे और हमारे दिल को भाए। तो हम वो जब अल्लाह की रज़ा में उसको ज़िबा करेंगे तो दिल पर एक चोट पड़ेगी, दिल को तकलीफ़ होगी, तो ये तकलीफ़ हम सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त करेंगे, तो इस पर अल्लाह की तरफ से जो अजर मिलता है वो ऐसे नहीं है जो मतलब नमूद व नमाइश की वजह से या बेदिली की वजह से या बिल्कुल हल्का सा जानवर जिसके ख़ुद भी रगबत नहीं है, ख़ुद भी उसका दिल नहीं कर रहा उसको देखने को या उसको खाने को, लेकिन वो मजबूरी करके कुर्बान कर रहा है, तो उसका वो अजर नहीं मिलेगा जो असल कुर्बानी करने से मिलता है। और छोटे जानवरों में अफजल जानवर सींगों वाला, सफ़ेद और सियाह दोनों किस्म के रंग वाला खसी मेंढा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बाज़ रिवायत में ये साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी किस्म का जानवर ज़िबा किया था कि जिसमें यानी सफ़ेद और स्याह रंग भी था और सींगों वाला था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 इस तरह के मेंढे ख़रीदे थे और उनको ज़िबा किया। और बाद रिवायत में ये भी आता है कि एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की तरफ से ज़िबा किया और एक अपनी तरफ से ज़िबा किया। बेहतर ये है कि कुर्बानी से पहले कुछ, जब तक उसको इस्तेआत हो, हैसियत हो, उसके मुताबिक उसको कुर्बानी से पहले ख़रीदे और उस जानवर को अपने पास रख कर उसके खिदमत करे और उसके साथ खूब मोहब्बत वाला मामला करे उसके साथ, ताकि वो उसके मतलब है कि साथ मोहब्बत हो जाए, क्योंकि असल में ये अपनी औलाद की तरफ से दे रहा है, औलाद की तरफ से एक फ़िदिया दे रहा है। असल तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर छुरी चलाई थी, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए मेंढा आया था। तो ये गोया कि औलाद की तरह एक महबूब चीज़ को कुर्बान करना है, तो वो महबूब मोहब्बत तभी होती है जब इंसान उसकी खिदमत करता है, उसकी
खूब खातर मुदारत करता है, फिर मोहब्बत हो जाती है, फिर जब कुर्बान करता है तो उसका सवाब अलग होता है। आमतौर पर देखा यह गया है कि उसकी खिदमत बिल्कुल नहीं करते, बस उनको पता भी नहीं होता बहुत सारे लोगों को कि हमारा मेंढा है कौन सा या हमारा हिस्सा किस जानवर में है और कौन सा जानवर है, बस वो जाते हैं और गोश्त लेके आ जाते हैं अपने हिस्से का। ये तरीक़ाकार अच्छा नहीं है। उसकी खिदमत करने का हुक्म है कि जो चीज़ें उसके लिए मुआफ़िक हैं वो उसको लगाए, लेकिन जो चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे घुंघरू बांध लेते हैं, घंटियां वगैरह बांध लेते हैं, इस तरह ऊपर बहुत ज़्यादा वो नमूदो नुमाइश करते हैं, तो इस तरह पैसा ये फजूल ख़र्ची में आता है, इस तरह करना दुरुस्त नहीं है। और ये उस वक्त है जब उसका जानवर का अच्छी तरह ख्याल भी रख सकता है और उसके चारा वगैरह का बंदोबस्त कर सकता है, अगर उसे गर्मी सर्दी से भी बचा सकता है। लेकिन अगर उसे ये ख़तरा है कि मैं ले आऊँगा तो बजाय इसके कि मैं उसकी खिदमत करूँ उसे और तकलीफ़ होगी, मज़ीद उसको नुकसान पहुँचाएगा, तो इस सूरत में उसका न ले आना बेहतर है। तो ये चूँकि उसको तकलीफ़ पहुँचाना या उसकी खिदमत ना करना, उसको भूखा प्यासा रखना, ये गुनाह है, तो इस गुनाह से बचना चाहिए। इसी तरह उसको बाहर घुमाते फिराते रहना, लोगों को दिखाते रहना कि हमारा ये जानवर है, और नमूदो नुमाइश के लिए अगर ऐसा करता है तो ये दुरुस्त नहीं है। अगर सिर्फ उसको चहलकदमी कराना मकसूद है और उसको ताकि उसका खाना पीना हज़म हो जाए, चले फिरेगा, अगर इस नीयत से घुमाता फिराता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह ये जानवर को ख़रीदना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए ये भी इख्तियार है कि अगर किसी ने उसको जानवर को हदिया किया है या विरासत में आया है, किसी भी तरीके से उसके पास जानवर आ गया है जो जायज़ तरीका है, तो उस जानवर को अगर ज़िबा कर देता है कुर्बानी में तो ये भी दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसके लिए कुर्बानी के लिए नया जानवर ख़रीदना अपने पैसों से ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसी तरह अगर किसी के पास यानी उस वक्त वसत नहीं थी या नकद पैसे नहीं थे, लेकिन अगर किसी से उधार जानवर ले लेता है और उसे कहता है कि मैं कुर्बानी के बाद पैसे दे दूंगा, तो अगर वो बखुशी दे देता है तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, कुर्बानी अदा हो जाएगी। लेकिन बेहतर ये है कि नकद पैसे देकर उसको ख़रीदे, बिला वजह उधार ना करे। इसी तरह अगर किसी आदमी को पास निसाब नहीं था, निसाब का मालिक नहीं था, और उसने कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीद लिया, तो ख़रीदने के बाद कुर्बानी की नीयत से ख़रीदा है तो ख़रीदने के बाद वो कुर्बानी देना उस पर लाजिम हो जाएगी, अब उसको तब्दील या बेच नहीं सकता। अलबत्त अगर उस पर कुर्बानी वाजिब थी यानी साहिब निसाब था, वो उसने कोई जानवर ख़रीद लिया है तो ख़रीदना के बाद उसको तब्दील करना चाहता है, तो उसका तब्दील करना ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, वो तब्दील कर सकता है। उसके हक़ में यानी साहिब निसाब के हक़ में जो जानवर ख़रीदा है वही जानवर मुतय्यन नहीं हो जाता कि इसी को ज़िबा करे, लेकिन जो फ़कीर है यानी गैर साहिब निसाब है उसके हक़ में वो जानवर मुतय्यन हो जाता है, जब वो एक मरतबा ख़रीद ले तो उसको तब्दील नहीं कर सकता ना उसको बेच सकता है। अलबत्त बाज़ हज़रात ने यह भी फरमाया कि अगर साहिब निसाब भी कुर्बानी के लिए कोई जानवर ख़रीद ले तो उसको बग़ैर ज़रूरत के बदलना तब्दील करना मुनासिब नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर फ़रोख्त करके उतनी कीमत या उससे ज़्यादा का ख़रीद लेता है तो ये बेहतर है। अगर कम कीमत का ख़रीदता है तो बेहतर ये है कि ऊपर वाली कीमत को सदका करे। मिसाल के तौर पर पहले ख़रीदा था 1,00,000 रुपये का और बाद में 80,000 का जानवर ख़रीद लेता है तो ऊपर वाले 20,000 उसको सदका करना चाहिए। एक गरीब आदमी ने जानवर ख़रीदा और वो गरीब आदमी का मतलब एक गैर साहिब निसाब था, वो जानवर उसका चोरी हो गया या जानवर मर गया, तो उस पर ये लाजम नहीं है कि दोबारा नया जानवर ख़रीद कर कुर्बानी करे, बस वो ख़त्म हो गया, उसके ज़िम्मे लाजम नहीं रहा। लेकिन अगर साहिब निसाब है यानी अमीर आदमी है और उसने जानवर ख़रीदा, उसका जानवर चोरी हो गया या मर गया, तो चूँकि साहिब निसाब है उस पर कुर्बानी करना वाजिब है, लिहाजा उस पर दोबारा नया जानवर ख़रीद कर उसकी कुर्बानी करना ज़रूरी है। और इस सूरत में उस पहले जानवर की कीमत या उसका फ़र्क नहीं होगा कि पहले जानवर जो मर गया है उससे ज़ायद कीमत या उसके बराबर कीमत का जानवर ख़रीदे, इस सूरत में लाजम नहीं है, उस सूरत में है जब उसको तब्दील करता है। इसी तरह एक फ़र्क ये भी है कि अगर गरीब आदमी ने कोई जानवर ख़रीदा और चूँकि वो मुतय्यन हो गया, लिहाजा उसमें कोई ऐसा ऐप पैदा हो गया जिसकी वजह से कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, मसलन उसकी टांग टूट गई, तो अब गरीब आदमी के लिए चूंकि यही जानवर मुतय्यन हो चुका था लिहाजा वो उसी जानवर की कुर्बानी कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं, उस पर लाजम नहीं है कि उसके बदले दूसरा जानवर ख़रीदे। लेकिन अगर वो साहिब निसाब है यानी उस पर कुर्बानी वाजिब थी, उसमें कोई ऐप पैदा हो गया है, तो
ऐब की तफसील इंशाल्लाह आइंदा सबक में आएगी कि कौन कौन से ऐबों की वजह से कुर्बानी दुरुस्त है और कौन से ऐबों की वजह से दुरुस्त नहीं है। बहरहाल अगर अमीर आदमी ने या साहिब निसाब ने कोई जानवर ख़रीदा और उसमें कोई ऐब पैदा हो गया तो इस सूरत में उस पर लाजम है कि वो जानवर बेच दे और उसके बदले दूसरा जानवर ख़रीदे जिसमें कुर्बानी से माने रुकावट वाला कोई ऐब ना हो। इसी तरह एक मसला ये भी समझना चाहिए कि कुर्बानी के लिए जो जानवर ख़रीदा है तो उसका दूध या ऊन या जो भी चीज़ें हैं उसके मुनाफे वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी अगर सवारी नहीं कर सकता, उसको बैल है तो उसको मतलब हर वगैरह नहीं चला सकता, और इसी तरह दूध वाला जानवर है तो उसका दूध इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर इन बेहतर ये है कि दूध वाला है तो उसके छींटे मारे उसका दूध ठंडे पानी से दूध खुश्क हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं भी होता उसको तकलीफ़ देता है जानवर को तो दूध निकाल के उसको सदका कर दे, यानी किसी गरीब को दे दे, खुद इस्तेमाल ना करे, और अगर ख़ुद इस्तेमाल कर लिया तो उस दूध की यानी कीमत का उसको सदका कर देना चाहिए। अलबत्ता अगर उस जानवर को ख़ुद चारा खिलाता है यानी ख़रीद कर कहीं से या अपने ज़मीन से काट कर जैसे कि आम तौर पर होता है तो इस सूरत में बाज़ हज़रात के मुताबिक उसका दूध वगैरह इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अलबत्ता बेहतर ही है कि सूरत में भी सदका कर देना ही चाहिए। अलबत्ता अगर मजबूरी हो कि उसकी वजह से उसका चारा यानी ख़रीदना मुमकिन नहीं है कि दूध को इस्तेमाल करेंगे या उसको बेच कर चारा ख़रीदेंगे तो इसकी बाज़ हज़रात ने गुंजाइश भी दी है। ये उस वक्त है जब जानवर कुर्बानी की नीयत से ख़रीद कर ले कराए हों। अगर पालतू जानवर है, घर का जानवर है या जिस वक्त ख़रीदा था उस वक्त कुर्बानी की नीयत नहीं थी तो अब कुर्बानी की सिर्फ नीयत कर लेने से इसका दूध वगैरह यानी इस्तेमाल सदका करना ज़रूरी नहीं होगा, बल्कि उसका दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। इसी तरह जानवर ख़रीदते वक्त अगर उसके वज़न के हिसाब से कीमत ली जाए कि इतने वज़न का और इतनी कीमत होगी तो ये भी दुरुस्त है, लेकिन मजमूई कीमत का इल्म होना चाहिए ख़रीदने से पहले। ये नहीं है कि जितने किलो का हुआ उतने पैसे होंगे और पता नहीं है कितने किलो का है, तो इस तरह सौदा करना दुरुस्त नहीं है। अलबत्त किलो के हिसाब से कीमत मुतय्यन हो गई है लेकिन बाद में किलो करके उसकी टोटल कितने किलो बनते हैं और कितनी कीमत बनती है ये मुतय्यन हो गया है तो इस तरह सौदा करना भी दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।